डायनासोर एंड जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट। गांव के जंगल से शहर जाने के लिए रोड बनाया जा रहा था। जंगल में बड़े बड़े पत्थर और पेड़ भी थे। उन सब को साफ करने का काम कुणाल अपनी जेसीबी ट्रैक्टर से कर रहा था। कुणाल एक बड़ा सा पत्थर बाजू कर रहा था कि तभी वहां एक गड्ढा बन जाता है, जहां पर उसे एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा अंडा है, लगता है कि किसी डायनासोर का है। लेकिन अब इससे डरने की क्या बात, इसमें थोड़ी ना कोई डायनासोर होगा, ये तो मिट्टी बन चुका होगा। ऐसा कहकर कुणाल उस अंडे के पास जाता है और उसे हाथ लगाता है कि तभी उस अंडे में हलचल होने लगती है। हलचल की वजह से अंडे में दरारें आ जाती है। अब तो कुणाल डर के मारे अंडे से दूर चला जाता है। देखते ही देखते उस अंडे से एक खतरनाक डायनासोर बाहर निकलता है। तब उसे देखकर कुणाल कहता है, अरे बाप रे, इसमें से तो सच में एक डायनासोर निकला। ये बात मुझे मेरे दोस्त कुमार को बतानी होगी। अच्छा है कि ये डायनासोर जंगल में है, अगर गांव में रहता तो गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते। उस वक्त वो डायनासोर शांत था। कुणाल जल्दी से कुमार के पास जाता है। दरअसल कुमार एक साइंटिस्ट था। कुणाल की मुंह से डायनासोर की बात सुनकर वो हंसने लगता है। अरे कुणाल, डायनासोर को धरती से खत्म हुए 65 मिलियन साल हो गए, अब इस जमाने में कहां से डायनासोर आ सकते हैं? लगता है तुमने दिन में ही चढ़ा ली। कुणाल कुमार को समझा बुझाकर उसे गांव ले आता है। तब कुणाल डायनासोर को गांव में तबाही मचाते हुए देखकर चौंक जाता है। कुमार की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। डायनासोर लोगों को पीछे भाग रहा था, वो जानवरों को मार रहा था। उसे देखकर कुणाल कहता है, अरे कुमार, कुछ देर पहले तो ये डायनासोर बड़ा शांत था, मैं इसके सामने था पर इसने मुझे कुछ नहीं किया। अब इसे क्या हुआ और ये क्यों इतना तबाही मचा रहा है? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अरे वो बाद में देखते हैं, पहले सबको लेकर मेरी लैब में चलते हैं। अब मेरी लैब ही इस डायनासोर से हमें बचा सकती है। कुणाल और कुमार गांव वालों को लैब में ले जाते हैं। सारे गांव वाले लैब में राहत की सांस लेते हैं कि तभी वहां डायनासोर भी आ जाता है। वो डायनासोर लैब को तोड़ने की कोशिश करता है। तब कुमार कहता है, बाप रे, अब डायनासोर को हम ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। देखो वो कितना भयानक बन गया है, अब तो कुछ अलग ही करना होगा। हैरानी की बात यह थी कि शांत डायनासोर अचानक कैसे इतना तबाही मचाने लगा। इसी सोच में कुणाल रहता है। तब कुमार कुणाल के जेसीबी ट्रैक्टर को लैब के अंदर ले आता है और उसे एक रोबोट में बदल देता है। जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट बहुत ही पावरफुल हो जाता है और जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट लैब से बाहर निकलकर डायनासोर से लड़ने लगता है। तो उधर कुणाल भी लैब से बाहर निकल आता है। तब उसे संतोष दिखाई देता है, जो चुपके से सब देख रहा होता है। कुणाल संतोष के पास जाता है, तब वो घबरा जाता है। उसे देखकर कुणाल कहता है, अरे संतोष, तुम यहाँ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा डायनासोर से? लेकिन संतोष बिना कुछ कहे ही वहां से भागने लगता है। संतोष के हाथ में कुणाल एक इंजेक्शन देख लेता है। कुणाल को उसी पर शक हो जाता है और उसे भागकर वो पकड़ लेता है। उधर लड़ाई में डायनासोर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट के हाथ तो मारा जाता है। तब तक पुलिस फोर्स वहां आती है, लेकिन कुणाल संतोष को सबके सामने लाता है और कहता है, कुमार मैंने कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है। देखो इस डायनासोर को इसने कोई इंजेक्शन देकर ऐसा बनाया, बेचारा डायनासोर बेवजह मारा गया। संतोष भी एक साइंटिस्ट ही था, वो अलग अलग दवाइयों की खोज करता रहता था। जब डायनासोर अंडे से बाहर निकला तब संतोष वही था और उसी ने उस पर अपनी दवा का इस्तेमाल किया, जिस वजह से वो डायनासोर भयानक बन गया। पुलिस इस जुर्म में संतोष को जेल भेज देती है और सारे गांव वाले कुमार और कुणाल का धन्यवाद करते हैं। जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस सायरन हेड। जंगल में संतोष भेड़ बकरियां चराने गया था। जंगल के एक सूखे कुएं के पास उसकी भेड़ बकरियां चरते रहती है कि तभी कुएं से अचानक डरावनी आवाजें आने लगती है और वहां से एक बड़ा सा सायरन हेड बाहर निकलता है और वो भेड़ बकरियों को अपने साथ कुएं में उठाकर ले जाता है। तब संतोष कहता है, ये कौन सा भूत है जिसने मेरी सारी भेड़ बकरियां खा गया? गांव में जाकर इस भूत के बारे में बताना होगा। संतोष गांव में भागते हुए जाता है और गांव वालों को कुएं वाले भूत के बारे में बताता है। गांव वाले मिलकर पुजारी के पास जाते हैं। तब संतोष कहता है, पुजारी जी, हमें कुएं को जल्द से जल्द तंत्र और मंत्र से बंद करना होगा,
वो भूत कुएं से निकलकर अगर गांव में घुस गया तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। सारे गांव वाले ये सुनकर पुजारी को लेकर जंगल के कुएं के पास जाते हैं। पुजारी हवन जलाकर मंत्रों से कुएं के चारों तरफ घूमता है तो कुछ गांव वाले उस कुएं के ऊपर एक लोहे की जाली लगाते हैं। लेकिन तभी कुएं से सायरन हेड की डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। सारे गांव वाले डर जाते हैं। तभी संतोष कहता है, पुजारी जी जल्दी कीजिए, यही तो भूत की आवाज है, लगता है वो कुएं से बाहर आ रहा है। तभी सायरन हेड लोहे के जाली को तोड़ते हुए कुएं से बाहर आता है, हवन को फेंक देता है और कहता है, पागल इंसानों, मुझे मंत्रों से कैद नहीं कर पाओगे। सायरन हेड गांव वालों पर हमला करता है। कुछ गांव वाले सायरन हेड को रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब सायरन हेड ही उन्हें रस्सियों से बांध देता है और गांव वालों को मारते मारते गांव में पहुंचता है। उधर गांव में सायरन हेड के आने के सिग्नल गांव के ही एक रोशन नाम के लड़के को उसकी लैब में बैठे बैठे उसकी मॉनिटर पे दिखाई देते हैं। ये कैसा सिग्नल है, मुझे अभी इसकी जांच करनी होगी। रोशन एक रोबोटिक साइंटिस्ट था, उसने जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट गांव में काम करने के लिए बनाए थे। रोशन उस जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट को लेकर जांच करने के लिए निकल पड़ता है, जहां गांव के मैदान में रोशन का सामना सायरन हेड से होता है। सायरन हेड रोशन पर हमला ही करने जाता है कि तभी उस वक्त ट्रैक्टर रोबोट सायरन हेड को रोकता है। जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट दोनों भी सायरन हेड से लड़ने लगते हैं। तब गांव वाले भी उस जगह पहुंच जाते हैं। संतोष कहता है, अरे रोशन, तुम्हारे रोबोट तो भूत के साथ भी लड़ना जानते हैं। अरे संतोष, ये कोई भूत वूत नहीं है, ये तो खतरनाक सायरन हेड है। ये जानवरों के साथ साथ लोगों को भी मार कर खाता है। अरे बाप रे, हम तो बेवकूफ उसी के पास गए थे उसे कैद करने। देखो रोशन, तुम्हारे रोबोट सायरन हेड से हार मान रहे हैं, कुछ तो करो। तभी तुरंत रोशन अपना लैपटॉप ऑन करता है। उसके लैपटॉप में उसके रोबोट के प्रोग्राम थे। रोशन दोनों रोबोट के प्रोग्राम को ऑन करता है। जैसे ही प्रोग्राम ऑन होता है, सिग्नल से वो दोनों जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट एक साथ जुड़कर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट बन जाता है। तब उनकी ताकत भी दुगनी हो जाती है। अब मेरे जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट एक होकर इस सायरन हेड को खत्म कर देंगे। इस तरह जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट सायरन हेड से लड़ाई करते हुए उस पर बार बार वार करते हैं, जिस वजह से सायरन हेड कमजोर होते जाता है और कुछ ही पलों में सायरन हेड हार मानने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन तब जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट सायरन हेड को पकड़कर उसे पीट पीट कर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। तब रोशन कहता है, बहुत अच्छा मेरे रोबोट्स, अब इस सायरन हेड को उसी कुएं में फेंक दो और उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट सायरन हेड को कुएं में फेंक कर कुएं को मिट्टी से बंद कर देता है। फिर से रोशन अपने दोनों रोबोट को अलग कर देता है। इस तरह से रोशन ने गांव पर आई मुसीबत को अपनी जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट से दूर कर दिया।